बोल दो शाम को आएंगे। बाबा को देखिए, बाबा पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, संगम में आए हैं, कुंभ मेले में आए हैं। क्या हुआ? बाबा आपको बुलाए घर पे। मैं देख रहा हूँ, काम कर रहे हैं, बाद में आएंगे, चल जाओ। हाँ माता जी, ये बाबा जी हैं हमारे। क्या हुआ? विजय भैया बाबू जी बीमार पड़ गए, उल्टी टट्टी कर रहे हैं, बिस्तरा पकड़ लिया। बिस्तरा पकड़ लिया? बाबा हम बाद में आएंगे, हमारे बाबू जी की तबीयत खराब है। चल 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 महाराज, हम बाद में आएंगे। महाराज पेशाब करके आ गए हैं। तुम्हारा पेशाब पेशाब नहीं, सुनामी है, पुल बह जाएगा, यहाँ ना मुतो। चला भैया, चलो हम पेशाब करके आते हैं। अबे दीवार कमजोर गिर जाएगी। अम्मा क्या हुआ? कहाँ थे तुम? हम तुम्हें कितना ढूंढवाए। मिला थे। अब चलो अंदर बुला रहे हैं। चल। बाबूजी दरवाजा बंद कर, बंद कर। क्या कर रहे थे? मेला में दर्शन करा रहे थे लोगों को। बाबूजी हमें काहे के लिए बुलाए? जब हम तुम्हारे जैसे थे ना, सिनेमा देखते थे, तो हमारे बाबूजी बहुत बीमार पड़ गए। वो तो जाने वाले थे, दौरा पड़ा था ना, और हकीम जी ने तो कह दिया था चले जाएंगे। तो हमको बुलाए और एक ही चीज बोले, जब से हम गंगा जमुना देखे हमें जिंदगी का एहसास हो गया, और तब से वो दिलीप साहब जो हैं उनको हम फॉलो किए सारी जिंदगी, गंगा जमुना से गोपी और गोपी से दुनिया तक। तो फिर वो हमको एक शहद का बोतल दिए, शहद का बोतल देके बोले, ये लेकर तुम बंबई जाओ यूसुफ साहब के पास, और उनसे कहना कि इसमें उंगली डालकर चाट लें। हम बंबई पहुंचे, यूसुफ साहब का घर ढूंढे और फिर उनके घर के सामने जाके खड़े रहे, 3 दिन तक खड़े रहे। और फिर यूसुफ साहब आए, हमने उनसे कहा कि देखिए हमारे बाबूजी आपके बहुत जबरदस्त प्रशंसक हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप इस शहद की बोतल में उंगली डालकर शहद चाट लें, वो खुश हो जाएंगे। तो यूसुफ ने जी चारे, बाबूजी ने उसमें से रोज शहद खाए 1 चम्मच, और हकीम साहब क्या बोले थे, 6 महीने में चले जाएंगे, 6 साल तक जिंदा रहे। सौदागर देख कर गए, और जाते जाते क्या कह गए अम्मा से पता है? इलो इलो। तो बेटा अब ऐसा है कि अब तो बच्चन हम उनके शबरी बनना चाहते हैं, लेकिन अब बेर लेकर तुम यहां से वहां जाओगे फिर वापस आओगे तो बेर तो सड़ जाएंगे ना, तो इसलिए मुरब्बा है, अमिताभ बच्चन को बोलो कि इसमें से आधा खा ले, आधा इसमें छोड़ दे।
कितना पैसा कितना हुआ? 2100 रुपया। ए भैया इतना पैसा होता अमिताभ बच्चन घर आने का? अरे भैया अमिताभ बच्चन के घर आयो ना इतना लगता है किसी खान खन्ना कपूर के यहाँ आते ना तो 500 में चौंपा देते। आप भी इलाहाबाद से हो का? पैसा ला अमिताभ बच्चन से मिलना। अमिताभ बच्चन से अभी नहीं मिलना। उनको बताइए हम इलाहाबाद से आए हैं, हमारा नाम विजय है, उनको बता दीजिए। ऐसे ऐसे हिसाब से नहीं मिल सकता। हमारा घर मुक्तिगंज में, हमारे घर से इनका घर जो है 1.5 किलोमीटर भी नहीं। ओके है ना। और उनको ये भी बताइए कि हमारा नाम अपनी कई पिक्चर में इस्तेमाल किया विजय, आप बताइए हम इंतजार कर लेंगे। सब ठीक है लेकिन साहब ऐसे नहीं मिल सकते। भैया एक्टर बनना है वो? नहीं हम अमिताभ बच्चन से मिलने आए। बच्चन से मिलना है? मिलने तो भैया हम भी आए थे। किससे? सुजीत कुमार से। सुजीत कुमार वो बलम परदेसिया वाले? हाँ। घर की पतर की रे चौड़ी पतर की रे मारे गुले लवाजीरा उड़े उड़े जाए। चैन से बांध देना तुम ठीक है। और सुनो कोई कीमती चीज हो तो निकाल ले अपना। अरे ऐसी कौन सी कीमती चीज है इसमें? ये मुरब्बा है। मुरब्बा? हाँ। इतना कीमती ऐसा इसमें कहाँ है? हम बाद में आपको बताएंगे। तो हमें खिला दे यार थोड़ा। एक ही है ना तो आधा आधा खा लेंगे ना यार। असल में हमारे बाबूजी का जिंदगी भर का सारा अरमान इसी मुरब्बे में है। ठीक कोई बात नहीं अंदर चलो। सुनो आराम से चलना सब लोग सो रहे हैं। अरे यार चप्पल काहे उठाला है? सो आराम से सुबह हम मकान मालिक से बात कर लेंगे। ये रख लो अपना कीमती मुरब्बा और हमें उठाना नहीं रात को बिल्कुल। नहीं आप सो जाइए। हाँ